मेरे चैनल प्रियंका किचन जोन में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी टी टाइम स्नैक की रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम है पफ पोटैटो रोल्स। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और सच में ये इतनी इजी है कि आप इसे एक बार बनाएंगे ना बस खाते ही रह जाएंगे और बच्चों की तो पर्सनल फेवरेट होने वाली है क्योंकि इसमें जो फिलिंग है वो हम पोटैटो की बना रहे हैं। चलिए देख लेते हैं इस पफ पोटैटो रोल की रेसिपी को। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में जो बेल आइकन है इसको भी क्लिक कर दीजिए, इससे मेरी नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। सब्सक्राइब करना टोटली फ्री है। पफ पोटैटो बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे इसका डो। तो मैंने यहाँ पे इस कटोरी के नाप से 2 कटोरी आटा ले लिया है। आप चाहे तो इसके जगह पे मैदे का यूज कर सकते हैं। और आटा डालने के बाद में मैं डाल दूंगी इसमें 1/2 चम्मच नमक फ्लेवर के लिए, साथ में डाल देंगे 1/2 चम्मच 1/4 टीस्पून अजवाइन। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा हमारे डो में। सबको अच्छे से मिला देते हैं और साथ में मैं यहाँ पे यूज करूंगी ऑयल। तो मैंने यहाँ से 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल ले लिए हैं। इससे हमारे जो डो में बहुत अच्छा क्रिस्पीनेस आएगा। अगर आप चाहें तो इसी जगह बटर यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑयल को अच्छे से आटे में मिला ले रही हूँ। जब आटे में सब कुछ अच्छे से मिल जाएगा तो हम इसका डो बनाएंगे। तो डो बनाने के लिए पानी लेते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक अच्छा सा सॉफ्ट डो बना लेंगे। बहुत ज्यादा हार्ड नहीं बनाना है ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट, बीच का रखना है। तो इस तरह से धीमे धीमे पानी डालते जाएंगे और आटे बनाते जाएंगे। तो ये देखिए मैंने डो बना के बिल्कुल तैयार कर लिया है इस तरह से। और जो इसकी सॉफ्टनेस है आप देख सकते हैं, ना बहुत ज्यादा हार्ड रखनी है ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट, बीच की रखनी है। अब इस डो को मैं 10 मिनट के रख दूंगी साइड में सेट होने के लिए। तब तक हम इसकी फिलिंग देख लेते हैं इसकी फिलिंग कैसे बनेगी। तो फिलिंग भी मैंने बहुत सिंपल ही रखी है कि आप नॉर्मली फट से इसको बना सके। तो एक पैन में डाल देंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल के। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच धनिया सूखी वाली और 1 चुटकी हींग। और सारे मसालों को अच्छे से चला लेंगे। जब मसाले अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो इसमें डाल देंगे बहुत ही थोड़ी सी मूंगफली। ये ऑप्शनल है लेकिन आलू के साथ में मूंगफली का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से मूंगफली को भी मसालों में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब मूंगफली हल्की हल्की फ्राई हो जाएगी इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर। और इन दोनों मसालों को सबके साथ में मिला लेंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से फ्राई हो जाएं। और इस तरह से फ्राई करते जाएंगे। जब सारे मसाले फ्राई हो जाएंगे, मूंगफली भी अच्छे से फ्राई हो जाएगी, तो मैं डाल दूंगी यहाँ पे 4 से 5 आलू जिसको मैंने बॉईल कर लिया था। और इस तरह से छीलने के बाद में इनको टुकड़ों में तोड़ लिया है। और इस तरह से इनको भी हम मसालों के साथ में फ्राई कर लेंगे। और ये जो फिलिंग है नॉर्मली आप अपने घर में फट से बना सकते हैं, बहुत ज्यादा इसमें मेहनत नहीं है। सिंपल सी चीजें मैंने इसमें ऐड की हैं ताकि आप भी आराम से इसको बना सके। तो इस तरह से जब सारे मसाले अच्छे से आलू पे कोट हो जाएंगे तो मैं डाल दूंगी 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप चाहें तो यहाँ पे हरी मिर्च डाल सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक 1/2 चम्मच, पिसी खटाई 1/2 चम्मच। आप चाहें तो यहाँ पे अमचूर पाउडर की जगह पे नींबू का रस डाल सकते हैं। और 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम चाट मसाला, चाट मसाले से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और साथ में 1 चम्मच कस्तूरी मेथी, क्योंकि कस्तूरी मेथी का टेस्ट आलू के साथ में बहुत अच्छा आता है। बस अब हम सिंपल से सारे मसालों को आलू को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। सारे मसाले आलू के साथ में फ्राई हो जाएंगे कुछ इस तरह से। तो देखिए हमारी फिलिंग बनके बिल्कुल रेडी हो गई है और देखने में कितनी यमी लग रही है। तो अब मैं इसको रख दूंगी ठंडा होने के लिए, उसके बाद हम इसको कैसे यूज करेंगे वो देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारा डो भी अच्छे से सेट हो गया है और जो फिलिंग थी वो भी ठंडी हो गई है। तो अब हम इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कटोरी में थोड़ा सा पानी। पानी मैंने इसलिए लिया है ताकि जब हम रोल बनाएंगे तो उस पर लगाएं तो जो हमारा रोल है वो अच्छे से चिपक जाएगा। तो जो हमने डो ले लिया है इसके हम पीसेस कट करेंगे। तो जैसे हम पूड़ी बनाते हैं उससे आपसे थोड़ी छोटी लोई ले लेंगे, बहुत ज्यादा मोटी लोई नहीं लेनी है क्योंकि जो पफ बनता है वो पतले पतले ही बनते हैं। तो देखिए इस तरह से जैसे पूड़ियों की लोई होती है हिसाब से ले लेंगे, इस तरह से कट करते जाएंगे लोई बनाते जाएंगे। तो देखिए मैंने सारी लोइयां बना के तैयार कर ली हैं इस हिसाब से। इसके साइज देख सकते हैं, इतनी रखनी है हमको, इससे ज्यादा नहीं रखनी है। चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। चकले पे हल्का सा ऑयल लगा देंगे, बेलन पे भी लगा देंगे क्योंकि हम यहाँ पे आटे का यूज नहीं कर रहे हैं सूखे, और इससे हमारी जो लोइयां है वो चकले पे चिपकेगी नहीं। तो बस अब इसको बेलना स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल पतली सी शीट तैयार करनी है हमको।
तो इस तरह से बेलते जाएंगे और शीट तैयार कर लेंगे एक पतली सी। तो देखिए कुछ इस तरह से हमको शीट तैयार करनी है, मैं आपको पास से भी दिखा रही हूँ कितनी थिकनेस रखनी है हमको इसकी, जैसे रोटी होती है पतली पतली सी, बस उसी तरह से रखनी है। हमें क्या करना है, जो हमने ये स्टफिंग बना के रखी थी वो हम शीट के ऊपर रख देंगे, और जो स्टफिंग रखेंगे वो बीचों बीच में रखेंगे, दोनों साइड पे हल्का हल्का सा गैप दे देंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच स्टफिंग रख दी है, और स्टफिंग रखने के बाद में जो हमने गैप छोड़ा था वो इस तरह से उठा के इसके ऊपर रख देंगे, और सेम ऐसे ही इधर रख देंगे ताकि जो हमारी स्टफिंग है वो अच्छे से लॉक हो जाए। और जो पानी लिया था हमने चारों तरफ अच्छे से लगा देंगे ताकि जब हमारे रोल है वो ऑयल में जाके बिल्कुल भी ओपन ना हो। अब इस तरह से एक साइड पर उठाते हुए इस तरह से रोल करते जाएंगे, देखिए किस तरह से मैं रोल कर रही हूँ, और दूसरी साइड से इसको लॉक कर देंगे और हल्के हल्के हाथों से इसको दबा देंगे ताकि हर तरह से ये अच्छे से चिपक जाए। देखिए कितना अच्छा लग रहा है हमारा रोल, बिल्कुल स्प्रिंग रोल होता है बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। और हल्का सा पानी और लगा देंगे, कहीं से भी खुलने के चांस ना रहे, और इस तरह से हल्का हल्का से रोल कर देंगे ताकि जो स्टफिंग है वो हर तरह से सेट हो जाए। तो देखिए हमारा रोल बनके बिल्कुल तैयार हो गया है, कितना इजी लेकिन कितना देखने में कितना अच्छा लग रहा है। अब इस तरह से मैं आपको एक और रोल बना के दिखा रही हूँ, इसको भी अच्छे से बेल लेंगे, लेकिन जो इसकी स्टफिंग है उसको थोड़ा सा मैं चेंज करूंगी क्योंकि बच्चों को फ्लेवर के साथ में खाना बहुत ही अच्छा लगता है। साथ में ले लेंगे 1/2 चम्मच टमाटो सॉस, बीचों बीच में लगा देंगे, साथ में लगा देंगे यहाँ पे 1/2 चम्मच मेयोनीज, आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा चीज भी ऐड कर सकते हैं। देखिए दोनों चीज लगाने के बाद में जो हमने स्टफिंग बना के रखी थी वो लगा देंगे इसमें, 2 चम्मच मैंने स्टफिंग भी ले ली है इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले रोल किया था इस साइड से दबा देंगे, इस साइड से भी उठा के रख देंगे, अभी पानी ले लेंगे और चारों तरफ अच्छे से लगा देंगे, और फिर वैसे ही हमें रोल करना है जैसे हमने पहले रोल किया था, इस तरह से उठाएंगे और ऐसे रोल करते जाएंगे, स्टफिंग को अंदर कर देंगे और फिर से अच्छे से इसको रोल कर देंगे, और इस तरह से हाथों की हेल्प से दबा देंगे ताकि कहीं से भी रोल खुला हो तो अच्छे से सील हो जाए। तो देखिए हमारा एक रोल अच्छे से तैयार हो गया है, अब इसको भी हल्का हल्का सा रोल कर देंगे इस तरह से ताकि जितनी भी स्टफिंग है हर तरफ अच्छे से फैल जाए। तो देखिए मैंने ये रोल भी बना के तैयार कर लिया है, अब इसी तरह से हम सारे रोल बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने सारे रोल बना के तैयार कर लिए, देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं, जितने बनाने में इजी उतने ही खाने में टेस्टी। तो इस तरह से अब हम इनको करेंगे डीप फ्राई। तो डीप फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है, ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है तो जितने भी हमने रोल बनाए थे वो उसमें डाल देंगे। तो एक साथ हमें सारे नहीं डालने हैं, तो मैं यहाँ पे केवल 4 डालूंगी अभी, और इनको हमें लो टू मीडियम हीट पे फ्राई करना है ताकि अंदर तक ये खूब क्रिस्पी हो जाए। तो इनको हम छोड़ देते हैं फ्राई होने के लिए, और जब नीचे से हल्के हल्के से गुलाबी हो जाएंगे तो इनको टर्न कर देंगे, और ऑयल का टेम्परेचर कम ही रखिएगा नहीं तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और जब नीचे से हल्के हल्के से फ्राई हो जाएंगे तो मैं इनको छोड़ दूंगी अच्छे से फ्राई होने के लिए ताकि ये गोल्डन हो जाए। तो ये देखिए हमारे पफ पोटैटो रोल्स बनके बिल्कुल तैयार हो गए, कितना अच्छा कलर आया है। अब इस तरह से अगर आपने घर में बनाएंगे तो सच मानिए कोई भी इनको छोड़ने वाला नहीं है, बच्चे तो इनको तुरंत ही खाना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह से हम इनको निकाल लेंगे ऑयल से, और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ईजी रेसिपी है, तो आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। और बच्चों के लंच बॉक्स में कहीं आपको जाना हो सफर में तो इसको जरूर बनाइए, और बहुत ही टेस्टी होते हैं। और जो बचे हुए रोल्स से मैं डाल देती हूँ ऑयल में, मेरे बेटे को तो इतना पसंद है कि वो हमेशा कहता है मम्मा यही बनाइए आप मेरे लिए। तो आप भी अपने घर में बनाइएगा, और अपने कमेंट्स थ्रू भी बताइएगा कि आपको ये पफ पोटैटो रोल की रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए ये भी कितने अच्छे से फ्राई हो गए हैं, और कितना अच्छा कलर इन पे भी आया है। अब इनको भी हम निकाल लेंगे ऑयल से, और इनको आप चटनी के साथ में सॉस के साथ में खाइए, यम्मी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इस तरह से निकाल लीजिए। आई होप आपको मेरी पफ पोटैटो रोल की रेसिपी जिसे मैंने आपको बिल्कुल इजी तरीके से बताया है आपको अच्छी लगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। और इसी तरह से प्रियंका किचन जोन को देखते रहिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।